पर आज हम ये डाली मूवी चौक में बाबा साहब के मौजूद हैं और मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये मेरे जहन में भी नहीं था कि डेली डाली मूवी में कोई चौक इतनी भी बिजी है और समोसे इनके इतने पॉपुलर हैं कि चार दफा मैं देख चुका हूँ कि इन्होंने खाली की है और उसके बाद समोसे के नाम आप देख लें कि अभी एक और जो है वो अभी इसको खाली कर रहे हैं। एक वक्त में अगर गिर रहा तो कम से कम 250 समोसे होते हैं और 15 मिनट में इन्होंने कई शानदार समोसे इसमें बनाए और निकाले और वो उसी वक्त खत्म हो गए। जरा चटनियाँ वगैरह दिखाई, ये आप इन चटनियाँ देख सकते हैं, डिफरेंट किस्म की चटनी है, इसमें मीट सॉस है, स्वीट सॉस है। निशानी है कि इतनी जल्दी अगर ये सेल हो रही है तो ये खाना फ्रेश खाना है। उसको बंद कर जी, अभी आपको बाबर समोसे मेरा कल में पिंडी इस्लामाबाद में नंबर 1 है तो जमील मिनास को आप किसी और प्रोग्राम के बंदे की स्पीड स्पीड देखें जरा। टेलीमोरी चौक में बाबर समोसे के नाम से है और आप इसका हालात देखें, यहाँ पे बाबर समोसे और मेरे होते हुए ये दो दफ़ा ये कढ़ाई खाली हुई है और जितना ये पॉपुलर है आपके सामने है देख लें, मैंने तो शायद पहली दफ़ा ही देखा है। इतने लोग जो है वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे इस तरफ भी देख लें जी। कहाँ पे सर? ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। से जहाँ देने जी बेहतर अभी यहाँ पे समोसे भी हैं, कचौरी है, समोसा चाट है, कचौरी देख ले आप। 390 अभी अमेजिंग है कि चीज़ें देखें आप, ज़रा चटनियाँ देखें, मैं चटनी आपको इस तरफ से दिखाता हूँ। कैसे
मैकडोनल्ड के अलावा इतना रश वैसे देखा नहीं कभी, और इतना फ्रेश फूड है सारा यहाँ पे। बाबर समोसे के नाम से ये जो शॉप है, ये डेयरी है, इसमें बाहर टालीमूरी चौक में है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये साथ टालीमूरी चौक है। यहाँ से अगर आप डेयरी की तरफ आए तो जैसे मेरे ख्याल में 100 गज है टालीमूरी चौक से बाबर समोसे के नाम से। अभी ये बिजी इतने है कि लगता नहीं कि किसी से माइक पे बात हो सकेगी। ये आगे रात थोड़ी और
मैंने वैसे इससे पहले इस इलाके में इतना मसरूफ समोसों वाला जो है और चाट वाला कभी नहीं देखा। देख सकते हैं कि ये तीसरा या चौथा बैच है मेरे सामने होते हुए और 5 मिनट भी नहीं लगते और ये ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए बना रहे हैं वीडियो ये जाएगी नहीं इधर भी देख लो एक बोर्ड 30 वाले थे ना कितने दर्जन पहुंच गए जी छोटे गाड़ी तो लेकर करता था जल्दी का एक पैकेट दे दो आइए जो यहाँ के ऑनर है उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम जी, जरा आप इसके बारे में मुझे थोड़ी सी डिटेल बताएं कितने ऐसे हैं यहाँ पे। अच्छा तो ये किस वक्त आपके नाश्ते के लिए तो आप क्या समझते हैं कि बिल्डिंग इस्लामाबाद में अगर कोई कंपटीशन किया जाए तो मुझे तो लगता है कि जितने फ्रैक और सारा ताज़ा सामान यहाँ पे चल रहा है आप बिल्डिंग इस्लामाबाद में नंबर वन होंगे। इस बारे में अंदर के सफाई की सूरत हाल माशाल्लाह बहुत आला है, कोई जो ग्रीसी स्टफ नहीं है, सारा ही सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे घर में पिछली साल बाद में अगर किसी को समोसे खाने हैं तो वो बाबर समोसे में आ जाए। आइए कुछ कस्टमर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कहना चाहेंगे इस समोसे काम के बारे में? Thank you.
सिस्टर आप कुछ कहेंगे इस शॉप के बारे में? वही आप देख ले